आप देख सकते हैं कि लगातार नामांकन चल रहा है और सिवान नगर परिषद क्षेत्र से उपाध्यक्ष पद के लिए रुखसाना खातून ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रुखसाना खातून के साथ तमाम लोगों की भीड़ है। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं उपाध्यक्ष पद के लिए आज रुखसाना खातून ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। सिवान शहर का जो चुनाव है 20 तारीख को है और ऐसे में रुखसाना खातून आज नामांकन पर्चा दाखिल कर दी। शौकत जी की पत्नी है रुखसाना जी, हम बात करेंगे कि शौकत जी क्या कहेंगे, आज आपकी पत्नी नामांकन कर दी उपाध्यक्ष पद। देखिए, सबसे पहले मैं सिवान को, जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आज हमने उपाध्यक्ष के लिए नामांकन पेश किया और अल्लाह के करम से अच्छा अच्छा बीत गया। और मैं जनता से यही उम्मीद लगाता हूँ कि जनता हमें जिता कर और उस मुकाम पे पहुँचाए ताकि मैं जनता के बीच आके कुछ काम करूँ। और क्या कुछ चाहते हैं सिवान में, क्या करना चाहते हैं? देखिए, सिवान में तो बहुत कुछ आप लोगों ने तो देखा ही होगा, सब मीडिया कर्मी लोग देख रहे हैं। सिवान की हालात अभी बहुत बर्बर हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि हर जगह चौक चौराहे पे कचरा फैला हुआ है। सबसे पहले सिवान को स्वस्थ बनाना है और जल जमाव, बारिश की वजह से नाला सही नहीं होने के, नाला का निकासी सही नहीं है, उसके वजह से सिवान में काफ़ी आने जाने में पब्लिक को पानी लगने से दिक्कत होती है। पहले तो बेस यही मुद्दा होगा कि इस नाला का समाधान किया जाए और इसे सही जगह पर ले जाकर। कैसा लोगों का सहयोग मिल रहा है उपाध्यक्ष के लिए? बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, सभी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं, हम आप चैनल के माध्यम से सिवान की जनता सभी हमारे साथ है, ये आप इन लोग से भी पूछ सकते हैं। जी बताइए रुखसाना जी, क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से, उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है? सिवान के पूरा हम सब सफाई करेंगे, सब नाला वाला जितना है कचरा उचरा सब सही करेंगे। जी, सहयोग इनका जो है बहुत ज़बरदस्त है, समर्थन जो है बहुत अच्छा तरीके से मिल रहा है। इसी समर्थन का कारण है कि इन्होंने जो है अपना नामिनेशन कराया और नामांकन। बहुत अच्छा नामिनेशन हुआ और जो भी हमारे शौकत भाई हैं बहुत समाज सेवी आदमी हैं ये, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आगे बढ़ें, हम लोग साथ हैं। क्या कहना चाहें, क्या लग रहा है कि अगर ये आ रही हैं रुखसाना खातून तो सिवान में विकास? सबसे पहले तो हम लोग मदर टेरेसा फाउंडेशन जुड़े हुए हैं जो 65 देशों में काम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 15,000 लोग सिवान डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी लोगों ने मिलके, और ये चेयरमैन है तो इनको बोला गया कि आप चुनाव में आइए, और चेयरमैन हाँ वाइस चेयरमैन है तो उनको सहयोग करने के लिए हम लोग साथ हैं। जी 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 जी, ये चेयरमैन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने आया मदर टेरेसा के संस्था। जी जी जी, संस्था चलाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि मदर टेरेसा नाम से ये लोग संस्था चलाते हैं और ऐसे में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि जनता इन्हें किस रूप में सहयोग और सपोर्ट करती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।